नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता किया। सिद्धार्थनगर जिले के गेस्ट हाउस में भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल संघ प्रिय भारती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर एक ऐसी धरती है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है और उनके पिताजी की राजधानी भी है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केवल महोत्सव मनाने से कुछ नहीं होगा, इस पर काम करने की आवश्यकता है। हर साल महोत्सव का आयोजन बड़ी हस्तियों को बुलाकर किया जाता है। भारत सरकार से हमने कहा कि दिल्ली के संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियां रखी हैं, वो सिद्धार्थ नगर उनकी जन्म स्थली पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वास्ति सारनाथ कुशीनगर का विकास हुआ है, उसी तरह कपिलवस्तु का भी विकास किया जाए। इसकी मांग मैं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से करूँगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, सिद्धार्थनगर एक ऐसी धरती है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और उनके पिताजी की राजधानी भी रही कपिलवस्तु में। पिछली सरकारें ने जो आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केवल महोत्सव मनाने से विकास नहीं होगा, इस पर काम करना चाहिए। हर साल महोत्सव मनाया जाता है, बड़े पैमाने पे पूरे देश से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाता है, फिल्म दुनिया से लेकर के संगीत कार्यक्रम से लेकर के बड़ी हस्तियां आती हैं। और हस्तियां चली जाने के बाद मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से मांग किया था कि जो भारत में दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली के संग्रहालय में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई है, अगर वो अस्थियाँ सिद्धार्थनगर उनके जन्मस्थली पर रखी जाए तो लोग उसे दर्शन करेंगे और लोगों को एक मालूम होगा कि इनकी अस्थियाँ रखी गई है। अभी सिद्धार्थनगर में पिछली सरकारों जो थे उन सरकारों ने कोई विकास नहीं किया, लेकिन जब योगी जी की सरकार बनी और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और योगी जी ने एक अच्छा विस्तार किया है सिद्धार्थनगर में, मेडिकल कॉलेज भी हो गया है और तमाम चीज़ों का किया जा रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य चालू किया था, तो काफ़ी आगे बढ़ने का काम चालू हो रहा है। चार साल में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए हमें उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सिद्धार्थनगर जो जनपद है, पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाना जाता है, विदेश के लोग एक आदर्श के रूप में उसको मानते हैं। मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्री प्रहलाद भाई पटेल जी से मांग करूँगा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलकर के मांग करूंगा कि जिस तरह से कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु में बर्मा, थाईलैंड, जापान की बुद्ध विहारें होनी चाहिए और जिस तरह से श्रावस्ती कपिल और कुशीनगर और सारनाथ में विकास हो रहा है, उस तरह से सिद्धार्थनगर का भी विकास होना चाहिए, ऐसा मेरा मांग है। और इस मांग के लिए मैं आज आप लोगों को बीच में आया हूं। सभी पत्रकार बंधुओं से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है और सरकार से तक मैं पहुंचूंगा खुद, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस सिलसिले में मुलाकात करूंगा।